तो गाइस ये देखो पबजी का भूत सबा दिन पबजी में लगा रहा है। इसको और कुछ काम नहीं है गाइस, सिर्फ पबजी पबजी दिन रात पबजी और कुछ नहीं। देखो बैग भी है ही, आंगली देखो इसकी, जैसे फोन में चलती है ना इसकी आंगली, ऐसे काम में नहीं चलती। अब ये कुछ नहीं कहेगा मेरे को, अगर ये बिना फोन के बैठ मतलब नॉर्मल बैठा होता ना तब तक तो ये पता ना क्या क्या भाई मेरे पे। ठीक है, अरे देखो आंगली का देखो इसकी कितनी, मतलब मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ आपको, ये देखो कितना टैलेंट है मेरे बच्चे में। ये देखो देख रहा है, ये देखो कैसे अंगूठे भी चल रहे हैं और उंगलियां भी चल रही है। ये टैलेंट है मेरे बच्चे में, बहुत अच्छा टैलेंट। गेम भी ना खेल रहे हो? नहीं देख लो गाइस, ऐसे कोई खेलता है गेम जैसे ये खेल रहा है? ये देखो जैसे पहले की औरतें सिलाइयां नहीं बुनती थी ऊन सिलाइयां, ऐसे ये देखो। और साथ में ये रख लेता है बोर्ड, मतलब मेरे नू समझ में ना आती जो भी पबजी खेलनिया है ये साथ में ये बोर्ड क्यों रख ले है, क्यों इनकी फोन की बैटरी खत्म हो जा है, ये दीदे फूक जाएंगे। कोई ना आंधा हो जाएगा फिर क्यों कर खेलेगा बता ना मेरा के ना है दरबन ने। अरे दरबन मत करो के मत करो फोन रख। ये स्कूबी आ गया, स्कूबी मारो इसको, मारो स्कूबी मारो इसको यार। मारो मत करो। क्या मत करो क्यों? बहुत बदतमीज है ये स्कूबी। स्कूबी अच्छा बच्चा है, ये स्कूबी अच्छा बच्चा है, मेरा गंदा बच्चा है स्कूबी, अच्छा बच्चा गंदा बच्चा है ये बच्चा है ये शोंटा। ठीक, और ये एक देख लो, ये एक ये कुत्ता है और ये मेरा बेटा है। ये काम भी मेरी सीधे करवाएगा, करता है ये तो बता तू क्या करा है, तू कुछ ना करता तू मेरा पबजी खेल रहा है बस तू। अरे शाम ना आया था, मैं 7 बजे करने है। फिर क्या हो गया 7 बजे? 7 बजे आके भी दुनिया अपने घर के काम करा कर, समझ गया तेरे की तरह ही फोन मेरा बढ़ जा है मुंह ठाक है। के घर का काम के करना है, के घर का बतेरे काम है, मन ले का आता तू दुकान पर था के चल मम्मी उड़ बैठी है दुकान पे ली। हारना भी चाहिए गाड़ी, स्कूटी मत करो। हाँ हारना मैं, फिर तू क्यों फिर गाड़ी में जा है बता, क्यों गाड़ी में जा है फिर तू जा है तू स्कूटी पे भी ना, स्कूटी का तू चलता नहीं तो के तो न के तो। गाइस इसको देखो मेरी बेटी है यार, मेरी छोटी जी बेटी मामा का। ओए कितना कुछ हो रहा है, ये गंदा बच्चा मेरा लॉर्डेचर है ये, और ये कुत्ता है हरामजादा। हेलो गाइस, तो मैं निकाल रही थी घी, मैंने 3-4 दिन की मलाई जमाई थी और इतना मतलब क्या बताऊँ, इस मौसम में ना बड़ा मुश्किल हो जाता है घी नूनी घी निकालना, कभी तो वो ज़्यादा गर्म हो जाता है जब कभी वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो मैं इसमें मिला रही थी थोड़ा ठंडा मतलब गर्म पानी करके, क्यों ज़्यादा ठंडा सा हो रहा था, लेकिन आज तो घी निकलने का नाम ही नहीं। देखो गाइस कैसे फूल गया है घी इसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब ऊपर भर गया था। और फिर मैंने छोंक दी थी प्याज आलू, और ये मैंने थोड़ा सा 2 गिलास दूध का पनीर बना लिया था घर में, गाइस दूध बच जाता है, तो ये बन गई हमारी पनीर की भूजी। और इसमें अब मैं डाल दूंगी थोड़े से मखाने भुने हुए, और घी फाइनली निकली। जिस काम को मैं ठान लेती हूँ उस काम को तो मैं करके ही रहती हूँ, जैसे कि अब मैंने घी निकाल के ही छोड़ा है, क्योंकि भाई हमारे घर में नूनी घी ज़्यादा खाते हैं, वैसा घी बहुत कम खाते हैं जैसे कि मेरे पति देव। और गाइस ये सब चीज़ आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने ये आज से 25 साल पहले वाली जो मेरे पास कैसेट रखी थी उसकी मैंने पेन ड्राइव में डलवाई थी, काफ़ी हद तक मतलब साफ नहीं आ रही थी लेकिन मैंने कोशिश की थी। ये मेरी दादी सास है जो उस टाइम पे थी, और उनको मरे हुए भी 18 साल हो गए मेरी दादी सास को। और गाइज जो पुरानी ये ऐसी चीज़ें देखते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। ये मेरे सास ससुर हैं जो नाच रहे हैं, शादी में सभी बहुत खुश थे लेकिन शादी के बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरे आने के बाद ऐसा मतलब हो गया था कि ये मेरी जो ननद है और मेरा ननदोई है ये नाच रहे हैं। बहुत ही अच्छी शादी की थी, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। सब ये सोचते हैं कि भाई ये क्या पता झूठ बोल रही हो, लेकिन ये देखो
उस टाइम के ये स्टेज लगा था, पहले कभी स्टेज नहीं लगते थे मतलब लड़की का। और गांव की शादी में तो बिल्कुल भी स्टेज अलाउड नहीं था, लेकिन मेरे घर वालों ने स्टेज भी लगाया था और बहुत ही अच्छी शाही एक शादी होती है ना वो शादी की बस थी। इनको तो ये था कि भाई गाड़ी घोड़ा नहीं लेके आई, ये है वो है, हमारी तो बेइज्जती हो गई है। लेकिन ये सब चीज़ देखनी नहीं चाहिए, जब अपनी बाप अपनी बेटी को ही दे देता है तो पूरा पूरी ज़िंदगी की कमाई दे देता है। और इस चीज़ से मुझे भी सीख मिली है कि मैं अपनी बेटियों की शादी जब करूँगी, जब मेरी बेटी कमाने योग्य नहीं बन जाए, अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाए, क्योंकि कल कुछ तू मैं खुदा ना खास्ता होती है तो ये तो रहे कि हाँ मेरी बेटी कमाती है। इस चीज़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा सीख मिली है कि छोटी उम्र में शादी अपनी लड़की या लड़का कोई भी हो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, खास करके लड़की नहीं, जब तक वो खुद एक मेच्योरिटी ना आ जाए लड़की में कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। और गाइस ये मेरे पापा हैं, उस टाइम पे मेरे पापा देख लो कितने यंग भी थे और सब कह देते हैं यहाँ पे कि ओ हो तू इतने साल की थी 16 साल की, मैं कहा हाँ भाई मैं 16 ही साल की थी। और जो मेरी फ़ोटोज़ है उससे देख के पता भी लगता होगा कि भाई कितनी नादान सी थी मैं। और ये विदाई का टाइम है जो मैं रो रही थी, मेरा फेस तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था क्योंकि मैं शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मेरी उम्र भी कम थी और पहले कुछ भी नहीं पूछा जाता था लड़की से कि भाई तुम्हें शादी करनी है, लड़का पसंद है नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और गाइज़ ये मेरी विदाई हो चुकी है, तो मेरा व्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और ऐसे ही व्लॉग आते ही रहेंगे। और व्लॉग को थोड़ा प्यार दीजिए जैसे आप पहले प्यार दे रहे थे, कोशिश करती हूँ डेली व्लॉग आए, पर कई बार ऐसा हो जाता है मिस भी हो जाते हैं। और ये गाइस मेरे दादा हैं जो भाई दादा से भी बहुत प्यार था, और ये जो साइड में है ये मेरी मौसी के लड़के हैं। और तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।